नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण की क्लास है। वर्ण विचार जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ किसी ने मैसेज किए थे क्वेश्चन के, उनको रिप्लाई दे देते हैं। मैंने कुछ वर्ण का क्रम बताया था, से के और ट्रे है। क्वेश्चन पूछा ये क्रम कैसे आएगा। से को हम अलग करते हैं तो यादक है प्लस से मिलकर बनता है। के को अलग करते हैं तो यादक जे प्लस यह से मिलकर बनता है, ठीक है। और ट्रे को अलग करते ते प्लस रे से मिलकर बनता है। तो वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले के आता है और उसके बाद चे की लाइन आती है, उसमें जे आता है और फिर टे की लाइन, उसके बाद टे के आती है। इसलिए इनका क्रम ऐसा होगा। एक एगोस और सेगोस के लिए बोले तो टप है, जिनके हिंदी है उनके लिए कोई टप नहीं है, पर जो नए स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा टप है। जैसे कोई रीट की तैयारी कर रहा है या जिसके किसी और एग्ज़ाम में ये वर्ण विचार का टॉपिक लगा हो उनके लिए, तो इसके लिए मैं आपको समझने के लिए आसान सा तरीका बताती हूँ। एगोस होता है पहला और दूसरा वर्ण, ये आते हैं इसके अंदर का। जैसे के खे, एगोस में पहले ए आता है, तो ए कैसे लिखते हैं हम, ये इधर, जैसे ये एक इधर ना लिख के ऐसे लिखना है हमें ये। तो ये कितने वर्ण होते हैं टोटल, 13। 13 कौन से हो गए, 5, तो ये है 15, तो इनके हो जाएंगे, सॉरी 10 इनके हो जाएंगे, दो दो है जो 10 इनके, और फिर तीनों से, 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 ठीक है, ये तीनों से। टेवर का कैक है, चे का चैच है, और टेवर का टैट है, ते का तैथ है, और पे का पैफ है। 10 ये और 3 ये, से, से, से। तो इस तरह इसको याद कर रख सकते हैं। जैसे एगोस ऐसे स्टार्ट होता है तो ये एगोस। जैसे अब इसके अलावा सेगोस, तो सेगोस में आता है आगे से घोष या फिर केवल घोष। इसको याद करने की ट्रिक है, ये गे से स्टार्ट होता है, जैसे या तो से आएगा आगे, ए का आ गया तो समझ लो वो हो गया, उस 13 वर्ण होते हैं, ऐसे निकाल लेना। से आ गया, वैसे तो सारे याद करने हैं पर किसी को समझ में नहीं आ रहा उनके लिए। से आ गया या तो से गोस या फिर केवल गोस, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। गे, गे मतलब वर्णमाला में गे, ये गे और ये गे, सॉरी अंग, तीनों हो गए, एक दो तीन, तीन वर्ण आते हैं। कैक है पहला दूसरा इसमें आ गया, बाकी तीसरा चौथा और पंचम वर्ण इसमें आते हैं। इसके अलावा ये रे ले वे, ये अंतस्थ व्यंजन है और है उसमें नहीं जुड़ा, एगोस में तो है इसके अंतर जुड़ जाएगा। इस तरह व्यंजन गने तो ये टोटल 5 वर्ग ये है, तो इनके 15 और 5 ये 20 हो गए व्यंजन गने तो, और स्वरों को मिलाकर गने तो टोटल 31 होते हैं। जैसे यह है अंतस्थ व्यंजन, उसी प्रकार उष्म, उष्म को इनको भी याद करने के लिए, जैसे उ से मैं, मतलब जिसमें से है अंतस्थ, आपको ऐसे याद करना है उ से मैं, तो से है जिसमें से, से आप याद करेंगे तो वैसे ही है इनके साथ आता है, ठीक है। ये उनके लिए जिनके लिए थोड़ा टफ था इजी वे में समझने के लिए। दूसरा था प्राणवायु के आधार पर अल प्राण मा प्राण। इसमें क्या था, अल्प, अल्प यानी थोड़ा होता है। जैसे मैंने कहा था इसको विषम, मतलब विषम वर्ण बोल के भी आप समझ सकते हैं। तो विषम मतलब विषम की शुरुआत कहाँ से करते हैं हम, एक से, तो पहला तीसरा और पंचम वर्ण आता है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन आते हैं ये रे ले वे,
और सभी स्वर भी इसके अंदर गिने जाते हैं, अल्पप्राण के अंदर। तो ऐसे टोटल इनकी संख्या हो जाती है 3, 5, 5 और के 3, 3 ये 15, ये हो गए 4, ये 19, और फिर स्वर मिला के टोटल संख्या कितनी हो गई इनकी 30। तो इनमें भी अल्प ये आ गया 3 की तरह और ये 3। और महाप्राण मैंने कहा था सम संख्या के अकॉर्डिंग, तो जैसे सम संख्या होती है 2, 4 ऐसे, तो इसके वर्ण हो जाएंगे दूसरा वर्ग का और चौथा वर्ण। इसके अलावा उसमें व्यंजन स स स है, तो सम है मा है, मतलब अल्प एन थोड़ा होता है पहले से स्टार्ट होता है। सम महाप्राण मतलब सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 0, 2 ऐसे मतलब गिन सकते हैं हम। तो इनकी संख्या भी 2 वर्ण है, 5 वर्ग के 10 वे हो गए और 4 ये, तो इनकी संख्या भी 14 ही है, सम में ही आएगी। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। इसी तरह से स का वर्गीकरण स स ये वाला से और ये से, इनको क्या कहते हैं, से से और से, इसको बोलते हैं तालमिस से, जो तालव्य से बोला जाता है। बोल के देख लीजिए आप, जैसे चे की लाइन बोलते हैं चे चे जे, आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो आप शब्दों को बोल के देख सकते हैं। तो ये तालव्य से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है तालव्य से, इसको तालव्य से कहते हैं। और ये मुर्दा से बोला जाता है तो मूर्धन्य से, जैसे टे की लाइन टेट है। बाकी इसके अलावा इससे जुड़े शब्द आप बोल के देख सकते हैं कि आपकी जीभ कहाँ टच होती है, जैसे षटकोण। और उसके अलावा ये मूर्धन्य से है, और ये इसको बोलते हैं दंत्य से, इसको जब बोलते हैं जैसे टे की लाइन बोलते हैं तो उसके बाद सड़क का उच्चारण करके देखिए आप, तो जीभ दांत से टच होती है। ये दंत्य से, ये उनके लिए था जिनके लिए समझने में टफ था, ठीक है। चलिए अब किसने की शुरुआत करते हैं। वैसे एग्जाम में ये से का क्रम भी पूछा जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ए योग ध्वनि किसे कहा जाता है, अनुस्वार, अल्पप्राण, घोष, महाप्राण, किसे कहता हो तो बताएं। इसका ऐ सही है अनुस्वार को। दूसरा है व फ किस प्रकार के वर्ण हैं, दंतोष्ट, अनुनासिक, तालव्य, कंठोष्ट। तो चलिए आप उच्चारण करके देखिए, इनको बोलते हैं तो जीभ कहाँ टच होती है। वह इसका सही उत्तर है जीभ दांतों से टच होती है, दंतोष्ट मतलब दंत और वह मतलब दांत और ओष्ट से मिलकर बोला जाता है, जैसे जीभ दांतों के और होठ भी इसमें मिलते हैं तो दंतोष्ट। ध्वनि किसकी लघुतम इकाई है, चलिए बताइए। शब्द की, भाषा की, वर्ण की और अक्षर की। इसका सही उत्तर है वह भाषा की, ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई है। इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन के वर्ग, पे वर्ग, ते वर्ग ये सभी। तो मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग आते हैं, जिसमें के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। तो इसका सही आंसर है वैसे ही सभी। के कौन सा व्यंजन है, तालव्य, दंत्य, मूर्धन्य, कंठ। तो बोल के उच्चारण करके देखिए क, तो कंठ से आवाज आती है। इसका सही उत्तर है कंठ है। फिर अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से के वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, तालव्य, कंठ, मूर्धन्य, दंत्य। चलिए सोचिए आप, अभी आया था ऊपर क्वेश्चन के कंठ था, तो ये भी कंठ केवर कंठ के अंदर बताता है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, मैं, पे, फे, ये। इसको उच्चारण करके देखिए कि किसमें आपके होठ हिलते हैं और किसमें नहीं हिलते हैं। तो मैं बोलते हैं तब होठ हिलते हैं, पे में भी हिलते हैं, फे में भी बोलते हैं, ये चेवर का है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ है, तो बोलिए टे, बे, ते,
दे कौन सा है? ओष्ट्य बोल के देखा होगा आपने। इसका सही उत्तर है बे। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य है? चे, जे, टे, जे। कल मैंने आपको बताया था कि जीभ जब बोलते हैं तो कहाँ से टच होती है उसको मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है, इनको बोलिए। ये सभी देख लीजिए, चे वर्ग के हैं तो तालव्य वर्ण है और ये मूर्धन्य है। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य है? से, जे, से, दे। अभी आपको ऊपर समझाया था, ये से तालव्य के अंतर्गत आता है, ये भी तालव्य वर्ग का है और दे ये दंत्य वर्ग का है और ये से मूर्धन्य। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? महा मतलब बड़ी संख्या, सम संख्या। चलिए देखते हैं, आपको आता कि नहीं आता। ये थे चे ने, इसके हिसाब से दूसरा और चौथा वर्ण। तो ये कौन सा है? अंतस्थ। थे ये कौन सा वर्ण है? तय थे दूसरा वर्ण हो गया, चे पहला वर्ण है और वैसे ये की लाइन में देखते ये भी पहला आता है और ने ये पंचम वर्ण है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो गया? ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बीच में रह गया। तो इसका सही उत्तर है थे, ये दूसरा वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? कै ये हो गया पहला वर्ण, खे ये दूसरा, ये तीसरा, गे और ये पांचवा वर्ण। तो कौन सा हो गया? खे से। क्लास लंबी हो जाएगी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ऐसे आप आंसरों के मतलब सब जो ऑप्शन होते हैं उनमें निकाल के, अलग अलग निकाल के देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा समझने में।